तो आज के वीडियो में आपको जानकारी देंगे बनमनखी रेलवे स्टेशन से बिहारीगंज रेल लाइन कितना किलोमीटर लंबा है और इस रेलखंड पर कौन कौन सा रेलवे स्टेशन आता है और बिहारीगंज स्टेशन से कौन सा स्टेशन से रेलवे लाइन आकर के जुड़ा है। वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बिहारीगंज रेलवे स्टेशन पर तीन अलग दिशाओं से जो रेलवे लाइन आया है वह पहले जान लेते हैं। ये वाला जो है सरसी वाला, ये चला गया है पूर्णिया कटिहार जंक्शन। पूर्णिया कटिहार होते हुए ये रेलवे लाइन आ रहा है, बनमनखी जंक्शन पर आकर मिला है। और ये हर पट्टी हाल्ट जानकी नगर, ये दौरम मधेपुरा होते हुए सहरसा जंक्शन को गया है रेलवे लाइन। और ये वाला जो अभी हाल में ही छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन हुआ था, सुखासन कोठी वाला, यह रेलवे लाइन बिहारीगंज रेलवे स्टेशन चला गया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि बिहारीगंज रेलवे स्टेशन तक जो है कौन कौन सा स्टेशन बनमनखी से आता है। बनमनखी के बाद बिहारीगंज के तरफ पहला रेलवे स्टेशन सुखासन कोठी है, बिहारीगंज के तरफ दूसरा स्टेशन है औराहाई है, तीसरा है सुखसेना है, इसके बाद इसी तरीके का चौथा स्टेशन है बरहरा कोठी। बरहरा कोठी तक जो है अभी फिलहाल सहरसा से पैसेंजर ट्रेन जा रही है वाया बनमनखी जंक्शन होकर के, और बनमनखी से भी बरहरा कोठी तक पैसेंजर ट्रेन चल रही है। बरहरा कोठी के आगे जो है रघु बसंत नगर है और उसके बाद महीखंड हाल्ट है, ऐसे करते हुए बिहारीगंज रेलवे स्टेशन तक आकर रेलवे लाइन ख़त्म हो जाता है। यह रेलवे लाइन जो है बनमनखी से बिहारीगंज तक आकर के सीमित है। अब एक नज़र देख लेते हैं बनमनखी से बिहारीगंज तक जो है रेल लाइन का क्या लंबाई है। बनमनखी जंक्शन से जो है बिहारीगंज का जो लंबाई है उस बीच में जो है बरहरा कोठी तक 16 किलोमीटर तक जो है रेलवे लाइन बनकर तैयार है और इस पर ट्रेन दौड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान अभी ट्रेन बंद है, लेकिन ट्रेन यहां तक चलती थी लॉकडाउन से पहले। और बरहरा कोठी के आगे जो है 12 किलोमीटर बिहारीगंज बरहरा कोठी या रेलवे लाइन जो है इसका आमान परिवर्तन किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा बिहारीगंज से बनमनखी की दूरी क्या है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ एक बार फिर।